तेरी कसम, तेरी कसम, तेरे नाम पे मरना है तो बस मरना है, तेरी मिट्टी से इबादत का अहदे वफा, इस बार जो करना है तो बस करना है। के वतन तेरी मिट्टी से निकलती ये गरम खून की महक नहीं, ए वतन मुकद्दस हम कभी मिटने देंगे, कि तेरी खातिर भरे मक्तल भरे बज़्म अधू, कि तेरी खातिर भरे मक्तल भरे बज़्म अधू, अब ये जां भी कटती है तो कटने देंगे। सदर मजलिस ऐवान सदारत में तशरीफ फरमा, मुअज़्ज़िज़ सामाईन असातिज़ाए किराम, मेरे हम मकतब साथियों, तुम्हारे नाम जमाने के महकते हुए फूल इल्म हिकमत के ऐवानों से सलाम आया है। मेरा आज का मौजू है मेरी मिट्टी मेरा देश। हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जनाबे सदर, आजादी का लफ्ज सुनते ही हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा उठता है जो हमारी खुशियों की लहरों को ताजा करता है और हमें सर उठाने की जुर्रत कराता है। जनाबे वाला, ये जो आजादी हमें मिली है, न जाने कितने लोगों ने अपनी जाने निछावर की, न जाने कितने घर तबाह हो गए, न जाने कितने घर लूट गए, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए, जनाबे वाला तब जाके हमें आजादी मिली है। जनाबे सर, एक बहादुर जंगजू जिसका नाम बहादुर शाह जफर था, जब उनके बच्चों के सर उनके सामने लाए गए तो उन्होंने उस वक्त कहा कि ये मुगलिया सल्तनत के शहजादे हैं, इन्हें इस वक्त इसी सूरत में मेरे सामने पेश होना था, क्योंकि बकौले शायर पहुंचते हैं पहुंचने वाले मंजिले इरफान तक, पहुंचते हैं पहुंचने वाले मंजिले इरफान तक, या तहतेग होकर या सरदार होकर। जनाबे सदर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अजीम शख्सियात है जिन्होंने इस कौम के अंदर इनकलाब बर्पा किया, महात्मा गांधी जो कि एक बड़ा परिवर्तन लेके हिंदुस्तान आए, जब उनको अंग्रेजों ने ट्रेन से बाहर निकाल दिया, कहा कि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम ट्रेन के पहले दर्जे में सफर हासिल करो, तो गांधी ने कहा कम बैक टू माई कंट्री आई विल शो यू, मैं तुम्हें देश से बाहर निकाल दूंगा। दैट्स द पावर ऑफ हिज थॉट। जनाबे वाला, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश का हर फर्द इनकलाबी होना चाहिए, इस देश के हर फर्द के पास वो जुनून वो हिम्मत वो ताकत वो रिफत होनी चाहिए कि वो ये कहे कि सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तभी तो जालिम का वक्त हिसाब आएगा और तभी गरीबों के दरबार में हाथ जोड़े हुए हर नवाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा।